Assalamualaikum पाकिस्तान, मैं हूँ आपके होस्ट मतीरा और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो द इंस्टा शो विद मी मतीरा। जी हाँ, सैटरडे संडे शुरू हो चुका है। हफ्ता बहुत ही थकावट थकावट गुजर रहा है, स्पेशली क्योंकि हर इंसान अपने घर में बंद हो गया है। और जब इंसान बंद होता है घर पर तो क्या करता है, ऑफकोर्स ग्रुप्स बनाता है, मीम्स बनाता है या फिर बैठ कर टी वी देखता है। सो यस, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप लोग वहीं बैठे कुछ खाएं कुछ पिए और रिमोट को साइड पर रखें, क्योंकि आज का शो कुछ अलग होगा। और वो अलग इस तरीके से होगा क्योंकि ऑफकोर्स हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन वो बहुत ही हैपनिंग है और बहुत ही स्वीट से हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, जितनी भी जगहों पर बॉल अभी देखा जा रहा है, आई एम श्योर आप लोग ने ये फेसेस देखे हैं, क्योंकि टिकटॉक हर इंसान के सेल फोन में है। चाहे कोई छुपकर बनाता है, चाहे वो वॉशरूम में वो देखता है या फिर खुलेआम देखता है टिकटॉक्स, लेकिन टिकटॉक सब देखते हैं। सो यस, वी हैव टू ग्रेट टिकटॉकर्स, द वन एंड ओनली इज़मा अहमद एंड अशर। अस्सलाम वालेकुम। तालियां, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मुक्का लो और बैठ जाओ। सो यस, अजमा, इजमा नाम क्या है? इजमा है, बट कुछ लोग उजमा भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल इजमा कुछ न्यू नेम है और उजमा बहुत पुराना नाम है, तो लोग मोस्टली मुझे उजमा ही बोलते हैं। ओके, वो इजमा कितने साल पहले रखा गया था, उजमा से पहले या उजमा के बाद? 18 बेबी, 18 साल की है। मैं 19 की हो गई हूँ। 19 की हो गए? हाँ, माय गॉड, हाँ 19 की कैसे हो गई? चलते चलते बस, चलते 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 जिंदगी गुजर रही है। ओके, गुजर रही है। धक्का मार रही हो? धक्का नहीं मार रही, एंजॉय भी कर रही हूँ। एंजॉय क्या कर रही हो, बताओ? कैसे एंजॉय किया जाता है, कैसे एंजॉय किया जाता है हमें अपनी लाइफ में खुश रहकर? तुम बताओ, तुम्हारी इस बॉडी की वजह क्या है? तो नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कुछ कमी है, कोई विटामिन की कमी है, कुछ क्या हुआ है? जिम की जरूरत है। क्या टिकटॉक पर आप आई? ठीक है, कितने फॉलोअर्स है आपके? मेरे 1.2 मिलियन। ओके, कहाँ से आते हैं ये लोग? कैसे आते हैं? टैलेंट से। हाँ, टैलेंट से। क्या है टैलेंट, मुझे बताओ, एक छुपा हुआ टैलेंट बताओ। पहले तो ये 2 साल की जर्नी है मेरी टिकटॉक पे, उससे पहले तो मतलब मैं कुछ भी नहीं बनाती थी, नहीं को, था। मतलब टैलेंट था, हिडन था। तो कौन अंदर जाकर किसने बाहर निकाला, कोई अंदर गया था? वो खुद ही निकालता है। ओके, वो तुम खुद अंदर घुसी, आप बोला ये टैलेंट नहीं, टैलेंट आ गया हाथ में, टैलेंट आ गया, फिर समझ आया कि हाँ भाई ये भी कर सकता है। उसके बाद 2 साल की जर्नी, लड़का है ये भी कर सकता है, तुम्हारा टैलेंट है, मतलब सबकी बात कर रही हूँ कि सबके अंदर एक ना एक टैलेंट होता है जरूर, नो डाउट। तो फिर ये हो गया, आप तो चुप रहे, आप इग्नोर मोड पर है, यू आर ब्लॉक्ड। ये बात कर रही है, लेट द गर्ल टॉक, सब सुन तो लिया उसका। चलो, वो हमें खुद से निकालने का एक टैलेंट, आप डीप बहुत जा रही हैं। हाँ, बताओ। तो फिर ऐसे ही खुद में सब में एक टैलेंट होता है, इंसान वो देखता है अपने अंदर से टैलेंट, फिर वो उसको पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर भी टैलेंट है, और फिर वो आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है उसमें पे। और ये था कि पहले मैं एक मेडिकल फील्ड में थी। ओह वाओ, उसके बाद मेरा एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में हो गया था मेडिकल फील्ड में, लेकिन जब मेरी फील्ड ही बहुत चेंज हो गई है, तो फिर मैंने इस फील्ड के हिसाब से, मुझे फैशन डिजाइनिंग आर्ट का भी बहुत शौक था। ओह वाओ, सुइए से हम दर्जी की स्वीप पर चले गए, व्हाई? दर्जी के नहीं, इसमें टेक्सटाइल भी कर रही हूं, सिर्फ फैशन नहीं। इतना बड़ा जंप, इट्स अ वेरी बिग जंप। बचपन में ऐसे कितना आर्ट का शौक था, मैं जब बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी आप? बचपन वो भी खेलती थी, मुझे मुझे मतलब कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करने का शौक था, एडवेंचर करने का शौक था और नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक था। तो इस हिसाब से पहले ना मेरे जो आर्ट का शौक था बचपन में, जब मैं 5th क्लास में थी ना, मैं आर्ट की चीज़ें क्लैक करके अपने पास रख लेती थी बचपन में, ऐसा शौक था। उसके बाद जैसे स्कूल से, स्कूल में जो चीज़ें होती है ना, वो लाके मैं अपने पास रख लेती थी। ओह वाओ, स्कूल से चोरी कर दी थी? मतलब ऐसे मैं जो क्लैक करने का मुझे शौक था, पेंट्स वगैरह। फिर जैसे मैं बड़ी बड़ी होती रही, तो फिर मुझे ड्राइंग का, पेंटिंग का शौक होता था। उसके अलावा ना मेरी मम्मा चाहती कि मैं डॉक्टर बनूँ। मुझे ये बात बताओ, पाँव तुम्हारे यूँ है, है ना, यूँ है, अब इसको यूँ भी रखते हैं, गाड़ी कभी चलाइए? ठीक है, गाड़ी चलाइए। हाँ, यूँ के बाद यूँ पाँव कब आते हैं? ऑटो नहीं, जब ब्रेक लगाना होता है तो ब्रेक लगाओ। बट एनी वेज, हाँ, इतना तुमने मुझे एक जर्नी बता दी, मैं सोच रही थी क्या, दैट्स गुड, अच्छी बात है। तो दैट्स गुड, तो इसका टैलेंट तुमने देखा है?
इसके अंदर जाकर टैलेंट देखा है? इसके अंदर क्या टैलेंट है बताओ? अक्षय की सिंगिंग सिंगिंग अच्छी है, सिंगिंग टैलेंट है इसके अंदर। के कब पता चला के गाता है? अक्षय तुम चुप रहो। इसकी आवाज बहुत अच्छी है। और क्या क्या अच्छा? आवाज बहुत अच्छी है और रैप भी बहुत अच्छा कर लेता है। क्योंकि रैप करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ ये तो बात है। सिंगिंग से ज्यादा मुश्किल होता है, तो खुद कंपोज करके रैप करना तो वो ज्यादा। तो तुम स्टार रैपर में क्यों नहीं आए? क्योंकि हम ऑडिशंस हो रहे थे ना, हम ऑडिशंस में नहीं जाना चाहते। क्या ऑडिशंस में नहीं जाना? क्यों भाई? क्योंकि मेरी मर्जी। तो आप मतलब आप फवाद खान हो? नहीं कुछ भी नहीं, अक्षर खान हूँ मैं। अक्षर खुद से कुछ बनना चाहता है, मतलब वो नहीं चाहता कि वो ऑडिशंस में जाके बने, वो कहता है वो खुद से कुछ बनना चाहता है। खुद से कैसे? अब वो उसकी है बात है कैसे। तो आप कुछ मदद कर रही हो, इसके अंदर जाकर ढूंढती हो, ये टैलेंट है आपके अंदर। अच्छा आज मैंने यूं दोस्तों का काम और क्या होता है? हाँ, दोस्तों का काम ही यही होता है। हाँ, हाँ, के घुस घुस कर ढूंढे। बिल्कुल ये है तुम्हारे इंसान अपना टैलेंट देख सकता है, लेकिन एक दोस्त अच्छा होता है जो उसे गाइड कर सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जितने भी बड़े एक्टर्स है, ये एक फैक्ट है, बड़े एक्टर्स के हर इंसान इवन अ बिजनेसमैन चाहे और जितने भी मैं ये बोलूंगी इवन कैमरामैन, जो जो बंदा ऑडिशंस होते हैं उस तरह जॉब्स पर इंटरव्यू होते हैं, आई एम श्योर ये आगे बढ़ने के लिए आपको इन चीजों में आना पड़ता है ना जी। आपको इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है इंटरव्यू की तब देते हैं ना, जरूरत ही नहीं है। तो आप बताओ कमाते कैसे हो? लाइक हाउ ओल्ड आर यू? आई एम कमिंग टू यू। हाउ ओल्ड आर यू एंड व्हाट डू यू डू? आई एम 19 इयर्स ओल्ड। आहा एंड बस मैं यही करता हूं, फ्रीलांसिंग बस। ओके क्या 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 पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ। ओके एंड कोई रिस्पांसिबिलिटी या कुछ? कुछ नहीं, बस अपनी रिस्पांसिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम पेइंग माय 8th क्लास से मैं अपनी फीस खुद भरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके वाओ एंड हाउ इज दैट? YouTube? हर मैं बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे था पहले मैं, फिर मैं टिकटॉक पे आया इस तरह। लेकिन टिकटॉक तो पैसा नहीं देता। पैसा नहीं देता लेकिन अब और स्नैक ऐप है, जैसे एक एप्लीकेशन है तो उनके थ्रू अर्निंग होती है। ओके तो क्या वहाँ क्या लगा? उससे पहले एक लाइक ऐप थी, उस 2019 में मैंने लाइक ऐप किया, 2020 में गैप लिया था, फिर 2021 में स्नैक ऐप अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम भी स्नैक पर हो? स्नैक पे भी हमारी पेमेंट होती है। उससे पहले मैं लाइक की पे भी करती थी अर्निंग, उसके और स्नैक पे भी करती थी। अब सिर्फ स्नैक से कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ स्नैक से अर्निंग हो रही है। मुझे ये बात बताओ कि टिकटॉक इतना अमाउंट नहीं देता, राइट? अमाउंट नहीं, जीरो रुपीस देता है। जीरो है। लेकिन स्नैक और लाइक की ये लोग देते हैं, ठीक है? तो अगर आप वहाँ काम कर रहे हो, आप टिकटॉक पर काम कर सकते हो या नहीं? नहीं, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया स्नैक के साथ तो हम टिकटॉक पर काम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि टिकटॉक ने भी हमें एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया है। ओके उसके अलावा हम उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक टाइम के लिए रोक सकते हैं। ओके ओके वाओ। और उसके अलावा कितना अमाउंट आप कमा लेती हो स्नैक से? स्नैक से अभी $2,000 का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ओह वाओ। हमें टिकटॉक रोकना पड़ रहा है। तो तुम टिकटॉक कुछ नहीं कर रही? नहीं अभी टिकटॉक नहीं। तुम्हारे 1 मिलियन वाले लोग क्या कर रहे हैं इस माह? किधर हो तुम? लोगों को जब देखना होता है ना हमें, वो कहीं भी देख सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टिकटॉक भी तो एक ऐप ही है, उसके अलावा स्नैक भी एक ऐप है। ओके तो अगर आपको इस माह को देखना है तो ऐप डाउनलोड करो, स्नैक ऐप डाउनलोड करो, वहाँ इस माँ का टैलेंट दिखेगा। बिल्कुल। इस बार रोजाना खुद के अंदर ढूंढती है टैलेंट, सुबह ये टैलेंट निकल गया। मुझे बताओ सबसे फेमस तुम्हारा वीडियो क्या, फेम क्लेम टू फेम क्या है? स्लोमोज। मेरे स्लोमोज आज तक लोगों को पसंद है, मतलब पहले जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी ना, वो बस जो मेरे पुराने तो वो वाली बेगम तो नहीं होगी, शादी हो गए सुबह स्लोमो में नाश्ता बना रही है हस्बैंड के लिए? नहीं मैं सॉन्ग के स्लोमोज बनाती थी और क्लिप्स वाइज। आप बस प्यार स्लोमो में करती है, बाकी सब फास्ट? नहीं अभी भी स्लोमोज बनाती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि हमें अपना इंस्टाग्राम भी हैंडल करना पड़ता है और उसमें भी पेड प्रमोशंस होती हैं, पेड प्रमोशंस होती हैं और वहाँ से भी अर्निंग होती है। तो मतलब जैसा अक्षर ने बताया कि वो अपना खुद अपना 8th क्लास से अपना खुद पे वगैरह कर रहा है, तो इस हिसाब से मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह और उसके जो स्टाफ होते हैं और मतलब सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। ओके और तो ये इन्होंने तो बिल्कुल अपना पैदा हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, क्योंकि पैसे कैसे बनाती है सब बता दिया आपने। मुझे शुरू में ही ब्लॉक कर दिया, मैं क्या बोलूँ? बाप तो कोई बात नहीं, अनब्लॉक थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक। हमारी बेबी के पास ब्रेक नहीं है ना इनकी गाड़ी। आपने कभी वो बिल्ली देखी है जिनके लंबे बाल होते हैं? उस बिल्ली को आप टाइल पर छोड़ दो तो भागती है हाँ, और फिर वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होता। ये इस बार जो बिल्ली याद आ गई। अगर मैं बताऊं तो इस शो से ना फॉलोवर जो हमारे हैं उनको होता है कि मौका मिलता है कि हम जाने जानने का कि हम लोग क्या है, हम लोग के जानने के लिए वो लोग ये पीछे देखो
तो इनके पीछे ना कोई बटन होता है, ना कोई ए साइज की बैटरियां घुसती हैं, ये इंसान होते हैं, ये इनको चुपेड़े मारो इनको लगता है, ये स्लो मोशन करती हैं, लेकिन जिंदगी में तेज तेज भी सब कुछ करती हैं, है ना इस्मा? ये भी एक बातें और क्या तेज तेज होती है भाई, काम भी तेज तेज होता है इस्मा का, वेरी नॉटी। ये भी एक बेनिफिट है, स्पीकिंग पावर बहुत कम लोगों में होती है। अक्सर आप लोग देखें, टिकटॉकर्स देखें, हाँ। उनको बोलना ही नहीं आता। आप जानते हैं इधर जितने भी बैठे हैं, मैं डब्बा बंद कर रही होती, भाई बंद हो जा। अक्सर की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मुझे बताओ, तुम किसी शो में हो हमारे? चैंपियंस लीग में। चैंपियंस में सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हो वहाँ? दोस्त किसको मानते हो? इस्मा। यस। और दुश्मन किसको मानते हो? दुश्मन कोई भी नहीं है मेरा। कोई तो एक होगा। ओ, देखो तुझसे अपने आप को क्या समझता है लंबू। नहीं दुश्मन कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कोई भी नहीं, सिर्फ प्यार करता हूँ लोगों से। प्यार जो दिख रहा है बस। ओके जी जनाब, हमारे प्यारे मेहमान है यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, क्या फलक पका रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है इस पेंडेमिक पे, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे सेलिब्रिटीज बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सो लेट्स सी ये सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं। खैर इसके अलावा यूर 19 एंड ऑल ऑफ दैट, आगे क्या प्लान्स है? मुझे टिकटॉक तो हमेशा होगा, अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, एविएशन मैनेजमेंट में लूंगा। ओह वाओ, तो बस उसके बाद सीएसएस, ये प्लान है। ओह वाओ, सीएसएस इज अ बिग डील, इट्स अ चैलेंज फॉर मी, मैंने अपने आप को दिया है चैलेंज। डूड, सीएसएस अगर आप अप्रूव हो गए देन टिकटॉक गुड बाय। आई नो। हां ये तो मैं सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा हूं। नहीं, इंसान कभी भी कुछ भी बन जाता है तो दोस्तों को तो याद रखता है अगर अच्छे हो तो। ये देखो खुद ब खुद तुम लोगों के बीच में कुछ पक रहा है, कुछ है जो हमें बता दो। सुनो तुम लोग के फैंस को भी पता होना चाहिए ना, चक्कर है, चक्कर खा रहे हो। नहीं नहीं, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तो लोग अगर वीडियोस भी हमारी देखते हैं ना, वो कहते हैं कपल्स हैं, रिलेशन चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। ओके, इनका वो समर बॉन्ड वाला बॉन्ड। लोगों की थिंकिंग सिर्फ एक ही जगह जाती है यहाँ भाई, दोस्ती एक समर बॉन्ड वाली चिपकने वाली। आजकल दोस्त कहाँ मिलते हैं, तो अच्छी बात है ना, तुम्हें समर बॉन्ड मिल गया, चिपका लो बस। दो तीन तस्वीरें किसी भी लड़की के साथ डाल दो तो बस रिलेशन। बॉन्ड में तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मैंने सुना है एक बहुत ही बड़ा एक ग्रुप है। हाँ, हमारा ना सेस नाम का ग्रुप है। सेस, सेस। ओके, ये सेस नाम क्यों है? सेस सबके अल्फाबेट से। ओके, ओह वाह 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 वाह, तो कितने लोग हैं? पांच लोग हैं तकरीबन। पांच, तो पांचों से ठीक ठाक है आपका बॉन्ड। सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है, नाम बताए? सबसे ज्यादा फेवरेट, हाँ, लड़का तो उसमें एक ही है, वो मेरा दोस्त है अहमद, ठीक है। ओके, और उसके बाद ये बस बाकी सब क्या? बाकी सब बहुत ज्यादा अजब ही तो हमारा बॉन्ड है, मतलब पांच का, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नाम लो, उन्होंने क्या किया है? सारा है उसमें, जरनाब है, दोनों अच्छे हैं। और तुम, तुम्हारा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट जाहिर सी बात है जरनाब है, वो मेरी बहन जैसी है। ओके, सारा और जरनाब ये दो वाहिद लड़कियां हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूं। लेकिन जरनाब तुम्हारी बहन जैसी? बहन जैसी। और तुम्हारी बहन? हां दोस्त है अच्छी बहुत। नहीं नहीं बोलो बहन जरनाब। बोलो बहन, जरा बेरे हो गए लोग इतना ज्यादा ना समझ नहीं। आप मेरी बात सुने, मैं क्लियर करूँ एक चीज, लोग समझते हैं कि मतलब उससे मेरा कोई रिलेशन है या वो है, ऐसा कुछ भी नहीं था ना कभी ना अभी। हाँ। है लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उसके बारे में लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मैं उससे ज्यादा क्लोज था थोड़ा सा ना। समझ नहीं, बात तो समझे, बात सुने। हाँ सुना। उससे बहुत ज्यादा क्लोज था, पूरी प्रोफाइल पे मेरी एक भी लड़की नहीं है, समझ गए? तो मैंने उसके साथ, तुम क्यों चिपक जाते हो हर इंसान से? नहीं, नहीं। तो इस वजह से लोगों ने कंट्रोवर्सी बनानी शुरू कर दी कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं था कुछ भी और ना है। तो वो बहन है? बिल्कुल बहन हो जैसी है। तो बोलो ना, तो बोलो। लेकिन तुम हमेशा लिखते रहते हो उसकी पिक्चर के नीचे माय प्रिंसेस, माय प्रिंसेस। तो दोस्तों को तो हमारे पिक्चर के नीचे लिखा है, मेरे पिक्चर्स के नीचे भी अक्सर हार्ट वगैरह बना हुआ होता है, तो लोग समझते कुछ चल रहा है। मैं कितनी, नहीं यार दोस्तों में भी होता है, दिल देते हैं, दोस्त भी दिल देते हैं, जरूरी थोड़ी अपने गर्लफ्रेंड या रिलेशन में ही। मैंने आपको क्या बोला, एक तस्वीर किसी के साथ डाल दो ना तो बस लोग समझते हैं इसके साथ रिलेशन है। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइंड है आजकल। ये कहाँ के लोग है, ऐसी तो बात हमारे पास
यही आवाम है सारी। आई हाय नहीं मैं भी उसी बात करता हूं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे देखो जहां धुआं होता है वहीं आग होती है। धुआं तुम लोग डालते हो फिर बैठ जाते हो उस धुएं पर, बोलते हैं आग तो नहीं थी, फिर जब आग लगती है तब उठकर भाग जाते हो, तब तक हमें हम सब कुछ समझ में आ जाता है ओ ये थी कहानी। बट एनीवेज ऑफ कोर्स CSS गुड लक फॉर दैट, आई रियली लाइक इट, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पाथ एंड गुड लक, यू शुड फोकस ऑन इट। तो ये बताओ तीन चीजें अपने फ्यूचर में देखना चाहोगे, तीन चीजें। सबसे पहले तो सक्सेस, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी बस। ओके अ सक्सेस क्या है आपके दिमाग में? सक्सेस ये है पीस ऑफ माइंड। ओके नॉट मनी और कोई लग्जरीज नहीं, बस दिमागी सुकून होना चाहिए इंसान के पास, बस वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा। और हैप्पीनेस क्या है? खुशी ये है कि मेरे सराउंडिंग में जो मेरे साथ लोग हैं वो सब खुश रहे मुझसे। ओके एंड द लास्ट वन, लास्ट वन व्हाट वाज द लास्ट वन? हम CSS करने जा रहे हैं जनाब, आपको देख लो भाई कौन सा जहाज है, फ्लाइट को लैंड करवाओ, शो पर आ जाओ। खैर थ्री थिंग्स जो आप जिंदगी में अपना रखना चाहोगी, सक्सेस, एडवेंचर, ओके और गुड फ्रेंड्स। ओके एडवेंचर क्या, जंगलों में घूमोगी? एडवेंचर मतलब झाड़ियों पर, एक मिनट नहीं, मुझे ऐसी चीजें पसंद है जो अपनी लाइफ में कभी ना की हो, सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि यार इधर जाने से ऐसा हो जाएगा, उधर जाने से ऐसा हो जाएगा। मुझे वर्ल्ड टूर पे जाने का बहुत शौक। बताओ जो तुमने अपने दोस्तों से शेयर किया हो, उन्होंने बोला पागल हो, पागल हो। मैं मरी के रोड पे अकेले निकल गई थी 5 बजे। Why? क्योंकि मुझे एडवेंचर चाहिए था और वहाँ पर जो सुबह होती है और वो बहुत खूबसूरत होती है, मुझे वो देखना था और सारी जो फैमिली थी मेरी वो सो रही थी। तो मैंने कहा बस अब मुझे जाना है। Oh, that's also very... नहीं इतना ज़्यादा दूर नहीं गई थी, लेकिन ये है कि करीब ही करीब थी ज़्यादा, और सेफ है वहाँ पर, इतना कुछ है नहीं। एक चीज करो कि इसके ना पीछे खोपड़ी पर एक थक कर दो। मैं इसको कैसे मार सकता हूं? थोड़ा सा ये मतलब हाउ कुड यू गो, दैट्स एक्चुअली अनसेफ। मैं बोलती हूँ किसी भी जगह पर जाना चाहे वो जितना भी सेफ हो वो अनसेफ हो सकता है। और मेरे प्रोड्यूसर ने तुम लोग के लिए एक बड़ी अच्छी बात बोली कि तुम बच्चे बड़े अच्छे हो, थोड़े कच्चे हो, थोड़े पक्के हो, लेकिन बच्चे अच्छे हो। So yes, that's a compliment for you guys. कितना घुमा फिरा के compliment दिया। अच्छा हम जो चीजें life में करना चाहते हैं ना, हम एक डर क्या करना चाहते हैं बताओ, जो भी हम adventure करना चाहते हैं ना, क्या किसके साथ adventure करना चाहोगे? जैसे आप भी मरी की मैंने बात बताई, इसके साथ करना चाहोगे adventure? नहीं नहीं मरी की मैंने आपको एक बात बताई तो आप मतलब ऐसा होता है कि डर की वजह से इंसान वो काम नहीं कर पाता जो आप वो चाहता है। तो डर किस बात का है, जो इंसान के साथ होना चाहिए वो तो होगा, अपने आप को सेफ रख के वो एडवेंचर कर भी सकता है। नहीं बेटा नहीं, क्यों इस तरह नहीं होता। एडवेंचर के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो, लाइफ बहुत कीमती होती है एंड हमेशा लक साथ नहीं देती है। और अल्लामिया ने एक दिमाग दिया है तो अल्लामिया बोलते हैं कि देखो चंद जगह पर चंद रात में बुरे लोग भी है दुनिया में, अच्छे लोग भी है, सो यू कैन नॉट बी वंडरिंग ऑफ। नहीं वो मॉर्निंग थी वैसे, एक छोटी सी एड्रेनल रश के लिए इतना बड़ा खोचाला नहीं करो। खैर कोई बात नहीं, अभी हम आप लोग, तुम लोग के फोन तुम्हारे पास है? मेरे पास सबसे पहला, नहीं कोई बात नहीं, ले लो मंगवा लें इनका फोन। हम आपसे पूछेंगे आपका वॉलपेपर किसका है? वॉलपेपर ये देखें, क्या है वॉलपेपर? पहाड़ पे, ये पहाड़ों का शौक है मुझे तो पहाड़। चलो ये हाँ देखो पीछे रखा हुआ है, सारे दोस्त हैं ये लोग। मेरे पास मेरा फोन नहीं है। नहीं मैंने आशा को पकड़ाया था। हाँ बताओ, वो दोस्त ने दिखा दिया ना तो इस ये भी शेयर हो गए। वॉलपेपर भी मेरी पिक्चर है। ओके बस तुम्हारी पिक्चर। ओके सबसे अजीब इंस्टाग्राम पर मैसेज क्या आया है? हाय हेलो रिप्लाई मी, एटीट्यूड बहुत है आप में, आप बहुत रूड हैं, इस टाइप के मैसेज बहुत आते हैं। अभी एक लेट्स सपोज हम व्हाट यू कॉल आपका इंस्टाग्राम DM खोले, सबसे पहले मैसेज किसको भेजा? मोस्टली कोलैबोरेशन की होती है मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी जो प्राइमरी है उसमें कोलैबोरेशन की रखती हूँ और जनरल में होते हैं जो फ्रेंड्स वगैरह। ओके आखिरी नंबर किसको कॉल किया था? आखिरी नंबर मैंने, मेरा एक फ्रेंड है उजैर, उसकी कॉल आई थी, भाई जैसा है। देखा
उजैर को भी वो बोलते हैं भाई जैसा है, बिल्कुल भाई जैसा है। नहीं वो कजन रिलेटिव ही है मेरा। ओके ओके ओके, इट्स ओके। फूफा के बेटे के साथ शादी हो सकती है, खाला के बेटे किसी के। शादी कब करना है? शादी का अभी कोई प्लान नहीं है मुझे। पहले जो अपना फ्यूचर है वो अच्छा करना है। जैसे मैं अभी कुछ चाहती हूँ फैशन जाने, तो मुझे अपना वही पूरा ब्रांड खोलना है और एक्सपोर्ट करना है बाहर। और बाहर भेजना है? पाकिस्तान में कुछ नहीं दूंगी, पाकिस्तान में भी। यहाँ से बनाकर बाहर फेंकूंगी। यहाँ पर भी हमारे हुकूमत वाले लोग की तरह चल रही हो। यहाँ पर भी आउटलेट खोलना है और बाहर का भी करना है। ओके, तुम कहाँ का आउटलेट खोलोगे? तो अपने दिमाग का कहाँ का बिजनेस करूंगा इंशाल्लाह। ओके, बिजनेस करोगे? कौन सा बिजनेस करोगे? वो तो टाइम के हिसाब से देखेंगे क्या है। कुछ तो होगा भाई, ये सीटियां चल रही है दिमाग में, हवाएं चल रही है क्या? मेरा फोकस तो इंशाल्लाह ताला ट्रैवल एजेंसी पे ही है। भाई मेरा जो है वो भी ट्रैवल एजेंसी में ही है, तो इंशाल्लाह ताला उसी में कंटिन्यू करेंगे, वरना CSS हो गया इंशाल्लाह ताला। कोई सीक्रेट है जो तुमने इस पे नहीं बताया? ऐसे कोई बात ही नहीं है। झूठ, ये देखो ऐसी कोई भी बात नहीं। क्यों बताओ, कोई सीक्रेट? मैं खुली किताब हूँ सबके सामने। मुझे क्या पता, मैंने इस किताब ना आपको इसीलिए तो बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं ना। क्या क्या बोला? मैंने बोला इसलिए आपको पता ही नहीं, इसीलिए तो बता रहा हूँ। अगर पता होता तो बताता ही नहीं। नहीं 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 जी, बताओ। इसका मुंह एक्सट्रीमली सफेद हो गया, कोई सीक्रेट है? पूछो पूछो, कोई बात नहीं। इसमें आदतें बहुत अच्छी हैं शर्मा। मैं इसकी आदतें नहीं, सवाल पूछो। माँ बन गई, फौरन फीडर डाल दिया, दूध पिला रही है। माँ याद है भाई, पूछो सवाल पूछो, पूछो चलो पूछो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अगर कोई अच्छी दोस्त कुछ समझाए तो उसे समझना चाहिए। तो तुमने इसको क्या समझाया जो नहीं समझ पाए है? कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है हम सबके सामने। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, वो तुम्हारे लिए अच्छी दोस्त नहीं है, उसको ब्लॉक करो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंसान पे खुद डिपेंड करता है, जिसे ब्लॉक रखना है उसे ब्लॉक करता है। देखा, बात यही है, यही है। इसने किसी को ब्लॉक नहीं किया, वो ब्लॉक इसके दिल पर लगी है। नहीं नहीं, वो इंसान पे डिपेंड करता है जिसको रखना है, लेकिन जो ओपिनियन अच्छा दोस्त देता है ना उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। ओह वाओ, चलो अगर आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हो, ठीक है, एक तुम खुद पहन रहे हो, ठीक है, एक तरफ खातून और एक तरफ आपकी बहन जरनाब, किसको चुनोगे? बताओ, फंस गए क्या? मैं तो चाहूंगा कि भाई दोनों ही चले जाएं नीचे लाइफ जैकेट पहन के। नहीं 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 नहीं, तुम एक पहन रहे हो और तुम्हें किसी एक को जैक बनाना है, टाइटैनिक का डुबाना है। कौन है? ज़्यादा क्लोज हूँ तो जाहिर सी बात है ये। जनाब देख रहे हो, तुम डूब गई हो। प्रिंसेस विंसेस कुछ नहीं है। नहीं, 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 में अगर, एक सेकंड लगी यू डुबा। नहीं, 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 मैं अगर ड्रैग करता रहता अभी के नहीं दोनों को दे देता, वो ड्रैग होता। नहीं, अगर अशर मुझे देगा ना तो वो मैं जनाब ये देगा। ये प्यार होता है, ये प्यार है। दोस्त नहीं, इसकी माँ बनो, फीडर लेके चलो। मुझे बता तो जनाब को। अब तुम्हारे लिए सवाल है, ठीक है। अब तुम्हारे किसी भी टीम की मैं बंदी नहीं रखूंगी। लाइक लेट्स सपोज एक तरफ फैसल कुरैशी और एक तरफ फहीम, तो किसको आप बचाएंगी, किसको डुबाएंगी और क्यों डुबाएंगी, ये भी बता दे। डुबाना भी है और बचाना भी है। हाँ हाँ, मतलब एक एक ही आप बचाएंगी ना, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली डूब गया। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपना अपनी जो जैकेट है वो उतार के मैं दोनों नहीं, को दे देता। मदर टेरेसा नहीं बने, वो चली गई थी, काफी टाइम हो गया, हमें ऐसी वर्जन वाली नहीं चाहिए। आप पनी भी हो, एक लाइफ जैकेट आप दे रही हो, तो वो कौन सा होगा? वो मैं दूंगी फैसल सर को, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं फैसल सर से साथ ही काम करती थी। और फहीम सर भी हैं, मैं अभी चैंपियंस में आप, और वो मेरे होस्ट हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन हमारी मैं डुबा दूंगी उन्हें। वैसी बॉन्डिंग नहीं है जो फैसल सर के साथ है। फहीम नहीं, समर बॉन्ड अच्छी ग्लू लो, बॉन्डिंग बनाओ। तुम्हारी बच्चियाँ हैं तो शौकी, वो तुम्हें डुबा देंगी। चुटकी नहीं, 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 भले
भले तो अच्छी बात बोलो है, देखना चाहिए। डूब जा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो फैसल सर के साथ हुई थी और उनसे काफी अच्छा बॉन्ड है। मैं पहले खुश रहो में ही आई थी जब फर्स्ट आई थी और मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कैमरे मतलब मुझे मैं ज्यादा बोल्ड वगैरह नहीं थी। ओके बोल्ड क्या उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना है ये करना है, मतलब जर्नी मेरी उन्हीं से स्टार्ट हुई। क्या गाइड किया, ऐसे ऐसे करना है ये करना है वो करना है, मतलब कॉन्फिडेंट दिया, फेस करना सिखाया, गेम्स खेलना सिखाया। लेकिन अगर ऑफ कोर्स ये एक अच्छी बात है, फैसल हैज ग्रूम्ड अ लॉट ऑफ पीपल यस, लेकिन फैसल को तुमने डुबा दिया। मैं उनको डुबाना तो नहीं चाहती थी, मैंने कहा ना मैं अपनी जैकेट उन्हें दे देती, लेकिन एक हाय फहीम एक बॉन्ड की बात ये दुबारी है तुम्हें, लेकिन हम आपको डूबने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मैं आपको लाइफ जैकेट जरूर दूंगी भाभी, सदा सुहागन रहे, आप भी होंगी और उसी तरीके से हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फहीम को कोई बचाए, लेट्स गो। Welcome back. Yes, sir. एक बच्ची यहाँ किसी को खा चुकी है, डकार भी नहीं ली और मैं शॉक हूँ। डकार ली है? हाँ, डकार ली है। कहाँ? तुमने डकार ही कभी नहीं बोले अभी? किसने? खा गई तुम्हें शो पर और फहीम को डुबा दिया। क्या हो रहा है? ये कैसी बच्ची है? क्या कर रही है? तबाही मचा रही है। हाँ जी, गेम्स अच्छी खेलती हो? कौन सा गेम ये अच्छा खेलती है बताओ। ये एक गेम है वो जो कैपल है। कैप से वो टूथब्रश उठा के ना सामने। ओके, मैं एक चीज करूंगी, ठीक है? अब तुम लोग को अपनी आंखें खुद ही बंद करनी है, ठीक है? और जो मैं जैसे मैं बोलूंगी सच्चा झूठा, ठीक है? तुम्हें ना एक दूसरे को पॉइंट करना है, या अगर तुम्हें लगता है तुम सच्ची हो तो तुम खुद को, अगर तुम्हें लगता है ये झूठी है तो इस तरह, ठीक है? सवाल पे या इट्स जस्ट 5 क्वेश्चंस, उसमें तुम लोग की दोस्तियां पता चलेगी, ठीक है? ठीक है। ये सच बोलिए या झूठ ये बताना है? नो, तुम कहां हो तुम? अगर मैं बोलूं झूठ सबसे ज्यादा कौन बोलता है? सही है, तुम्हें तो यूं करो, अगर तुम झूठ बोलते हो। सही है, समझ गया मैं, यू गेट इट। 3, 2, 1, झूठ कौन बोलता है सबसे ज्यादा? ओके, तुम दोनों। पैसे कौन खर्च करता है? तुम दोनों। मकारी कौन करता है? कौन? मकारी। मकारी झूठ एक ही होता है। Like who's very clever and like you know tez, charmed. Tez. हाँ, तेज। तेज। वो कौन है? तेज। ओह तुम हो? ओह वाव, वो तेज अपना किधर है? ये बस। Late कौन करता है सबसे ज़्यादा? Late? हाँ। Late ये करती है। अच्छा तुम करते हो? तो ये करते मैं जब इसके घर गया अभी तो इसके नहीं तैयार हुई थी ना, कुछ भी नहीं करा हुआ था इसने। ऑब्वियसली यहाँ पर आके होना होता है, लेकिन ये घर से भी तैयार हो सकता है इंसान? मैं नहीं हो के आती, मैं इधर ही होती। गलत बात है ना? क्यों गलत बात है? I was giving her time के तैयार हो। तुम भी तो बहुत लेजी हो ना, तुम्हें मेरे साथ जल्दी आना चाहिए था। सुने आप लोग, कमियां बीवी की झगड़ा खत्म हो गया। हाँ, शो की तरफ आ जाए। थैंक यू। हाँ तो मुझे बताओ, दोस्त कौन जल्दी बनाता है? मैं तो नहीं बनाती हूँ। मैं तो नहीं बनाता, मेरे तो है ही कम दोस्त। मेरे तो कोई भी दोस्त नहीं है। इमोशनली ब्लैकमेल कौन करता है? ब्लैकमेल? ब्लैकमेल तो कोई नहीं। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं। ओके, कोई इमोशनल लाइक लड़ाई में ब्लॉक कौन होता है पहले? नहीं, हम लड़ाई नहीं करते। हम लड़ाई, हमारी लड़ाई आज तक नहीं हुई है। नहीं, कभी भी ब्लॉक नहीं किया किसी को? नहीं, इनफैक्ट मेरी जैसे लड़ाई भी हो जाती है ना, मैं उसे रखती हूँ कि अब तुम बस लड़के ना। सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? मैं खाता हूँ खाना बहुत ज्यादा। ओके, मैं भी खाती हूँ, लेकिन ज्यादातर एक होता है ना जस्तजू सक्सेसफुल होने में, किसमें? इसमें आप? अब वो तो हर इंसान में होती है। मैं तो नहीं, पर एक होता है ना बंदा ये बोलता है मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड है। मैं तो पागल हूँ इस चीज के पीछे। ओके, पागल हो? अगर मुझे नींद भी आ रही होती है फिर भी यूनिवर्सिटी के लिए बस उठना है, भले कितनी भी थकी हुई हूँ मैं। ओके, मुझे बताओ, अगर एक तरफ सक्सेस हो, ठीक है, मनी, पावर, एवरीथिंग, हाँ एवरीथिंग, एक तरफ इसको रख देते हैं, तो आप कहाँ जाओगे? अगर ये चुन लिया तो आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। मतलब मुझे जिंदगी तो मेरी बात समझे, मुझे जिंदगी थोड़ी इसके साथ गुजारनी है। तो भाई दोस्त है ना? यही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी लाइफ है इसकी, जाहिर सी बात है। तुम सुन रही हो?
ये तो नॉर्मल सी बात है, ये भी यही बोलेगी, जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी जिंदगी देखता है, अगर हमारी एक भी लड़ाई हो जाती है तो खत्म सब कुछ। ओके, इतना 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 वो एक एक सवाल है ना, समथिंग छूटा रिश्ता टूटा, मुझे उस वर्ब का प्रॉब्लम नहीं, अगर ये सवाल आप मुझसे करेंगे, हाँ ये सवाल आपकी तरफ भी आ रहा है, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर एक तरफ अशर और बाकी सारी चीजें एक तरफ हाँ, तो पहले मैं अच्छी दोस्ती को रखूंगी इम्पोर्टेंस, उसके बाद अगर मेरा लक होगा, मेरी नसीब होगा तो फिर मुझे वो चीज मिल जाएगी, बाकी ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने बोला हम किसी अच्छे दोस्त को चूज, अच्छे दोस्त को नहीं खो सकते अपने लक के पीछे, लक आपसे कोई नहीं छीन सकता, अगर लक हमारे पास है तो वो हमें मिलेगा, लेकिन हम अच्छे दोस्त को नहीं गवा सकते। ये देखो ये तुम्हारा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मैं भी जवाब दे सकता हूं, वो लड़की है जो ना निकली जाएगी ना निकाली जाएगी या अटकी रहेगी, तो मेरे दोस्त कंडोलेंसेस तुम्हारे साथ है, हम सब आपके गम में शरीक होंगे कुछ साल बाद, वो गम बड़ा धूमधाम होगा, बट वो गम को उसी वक्त के लिए छोड़े, अभी हम देखते हैं एक दूसरे के इशारे तुम लोग को कैसे समझ में आते हैं, गेस द सिचुएशन, डब्बा कौन पहले खोलेगा? मैं खोलूंगा। अच्छा जाओ, लड्डू मिल रहे हैं, तुम डब्बा खोलो, तुम्हें फेम डूबता हुआ मिलेगा, तुम डब्बे नहीं खोलना। ओके इसमें से पूछ लो भाई नंबर, ये क्या फोर्थ, तू मेरी बर्थडे आती है ना फोर्थ, हाँ फोर्थ को लो, बस फोर्थ। यार इस बंदी का दिमाग नहीं है, मैं आपको इसका कोई दिमाग नहीं है, अंधा आंखे अंधा उर्दू है ना, हाँ और क्या बलोची होगा, अंधा अंधी दो आंखें, पूरा बोलो ना, अंधी दो आंखें आ, अंधी दो आंखें आ, भाई क्यों अंधी आंखों को भी बुला रही हो, अंधी आंखें क्या अंधे पर तुम सही बोल रहे हो, पूरा इसने बता दिया, सिर्फ एक लफ्ज नहीं, चुप कर ना। चलो अंधी दो आंखें, 5 4 3 2 1 बैठ जाओ, बहुत बहुत मुश्किल है, अंधे को चाहिए दो आंखें, चाहिए क्यों, कैसे बता सकता है कोई, चाहिए ओए मैंने आपको बोला बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, आपने बोला है, अपने बोले बैठ जाओ, दो और डिब्बे खोल ले, अब बताओ तुम कौन से, 6 वाह वाह वाह, जल्दी 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 जल्दी, एक मिनट, ये वाला तो गाना है, आई बिलीव हर इंसान को पता होगा, मैं तुम कितने लफ्ज है, 1 2 3 4 5 तुम्हारी, 5 तुमसे, क्या ही है भाई, तुम ही पहला लफ्ज हो, तुम दिल, तुम्हारी, 10 9 तुम्हारी, 8 7 6 5 4 3 2 1 गो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें 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 तुम्हें, ओके वापस बैठ रहे हो तुम, एक और इतनी कमजोरी गाइस, बच्चे को ना दूध का एक ग्लास रखो या विटामिंस के साथ, 2 शुड आई ओपन, दो नंबर खोलो, आपका दम बॉक्स है, खोलो मुझे बोल, आराम आराम, ये हम है ना कुछ साल बाद इसी तरह तुम्हारी वो क्या होते हैं गम में आएंगे, ये भी सॉन्ग है, नहीं ये मुहावरा है, बड़ा मुहावरा है, बहुत बड़ा मुहावरा है, 1 2 3 4 5 5 लफ्ज है, दुपट्टा दुल्हन, दुल्हन किसकी, दुल्हन किसकी, इसके दुल्हन वो सुनाई दे रहे जो इसका दिल बोल रहा है, मैं दुल्हन बनूंगी, डांस यार इट्स अ प्रोवर्ब, बड़ा हर इंसान इस चीज पर बात करता है, हर इंसान यार जो नौशीन शाह बनी थी यासिर की शादी में नहीं समझ नहीं आ रहा, बताओ नौशीन कौन बनी थी, क्या 5 4 3 2 1 जो आप बनेगी इसकी शादी में, बेगानी बेगानी क्या बेगानी शादी में, दुल्हन क्या होती है, दुल्हन शादी में बोलो कम, तो पहले तुम दुल्हन को क्यों ला रहे हो शादी, दुल्हन से शादी होती है, मुझे क्या पता भाई, ऐसे बोल रहे हैं जैसे दोनों मियां बीवी लड़ रहे हैं तीसरे, तो भाई ऐसे कुछ नहीं, अब तुम बैठ जाओ,
लंबी लंबी सांसें लो, रेस्ट करो, हाथ नहीं लगाना उसको, वापस से हेडफोन्स का हाल देखिए मैं कैसे पहचानता हूँ, कैसे पहचानते हैं अभी देख लेगा मेरा समझाने का तरीका। चलो जाओ, इशारे करो, अपनी दिल की ख्वाहिशात पूरी करो। कौन सा नंबर? जो डब्बे बेटा बंदे वही तुम्हारे नसीब में है, अब तुम्हें फरमाइशी प्रोग्राम नहीं मिला। ओह लॉर्ड, क्या चीज है ये? बहुत मुश्किल होगा। गाना है क्या? एक दो तीन चार पाँच छह लफ्ज है। बाइक, आटा, आटा आटा, गरीबी में आटा गीला है, गरीबी में आटा गीला, आटा गूंदना, आटा 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 ऑन सी, क्या अजीब अजीब आटे में पानी डाल दिया, पानी पानी कम है आटे में, नमक नमक, आटा 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 पाटा, आटा गूंदो, नमक डाल दिया, आटे में नमक डाल दिया, आटे में नमक कम है, आटे में नमक का बराबर होना, बराबर नमक तक आ गया, बैठना नहीं है अभी। ओह सॉरी, ये लोग यहाँ शो पर नहीं है, ये इनका एक आपसे आप इसका एक बेडरूम चल रहा है, तो जान ले। खैर दूसरा डब्बा खोलो, थ्री है था ना बेटा, आपके पास चॉइसेस नहीं है, थ्री और फाइव। चलो क्या है गाना है? Oh gosh, ये तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। मैसेज है सुट्टा, तो मैं एक मिनट, तो मेरे ऊपर क्यों, क्योंकि आपने बोला भाई मैं तो दूर दूर इस चीज से करीब रही हूँ, मेरा नाम माहिरा थोड़ी है, हैंड दे रही हूँ, ठीक है। पब्लिक सर्विस मैसेज, मैसेज सिगरेट नोशी है, सिगरेट नोशी मना है, सिगरेट नोशी हलाल है। No. Five. Cigarette is allowed. Four. Cigarette is allowed. ये क्या? Three, two, one. Bed. बस यार मैं health health कर रही हूँ। Health health कर तो क्या था? Smoking is injurious to our health. Ta-ta-ta-ta. मैं आ रही हूँ आगे, झूम 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 रही हूँ, आ रही हूँ घूम रही हूँ। आगे पहला वाला लव सही था, तुमने सही बोला था, आ रही हूँ, तुम आगे 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 आगे, she is not coming, तो yes आगे is the लव, आ रही हूँ नहीं बोलो, आगे पीछे आगे चलना, कल किसने देखा है? अल्लाह, थर्ड वर्ड बताती हूँ, मुंह बंद करो ना, थर्ड वर्ड बताती हूँ, गिर गई। आगे से पीछे कैसे गिरती है? ओके गाइस, मैं एक कदम आगे एक कदम पीछे। नो, फाइव फोर थ्री टू वन, बता दो खुद ही, आगे कोई पीछे कोई, इतना ही समझ। तुम्हें तो बताओ ना, चाहे आगे कोई पीछे कोई, क्या है ये? मुझे क्यों बताना चाहिए ये चीज? क्योंकि तुम ये गेम्स खेलते हो यार, ऐसे नहीं होते इसमें, कोई ना कोई ऐसे तो लॉजिकल होता है, लॉजिकल क्या, लॉजिक क्या होता है बताओ, लॉजिक बताओ, लॉजिकल बच्चे का लॉजिक सुनना है, लॉजिक कम से कम कोई गाना हो या कोई लास्ट वाला, मैं समझी शायद समझ जाएगा। मैं आज तक अपने गेम में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा अपने शो के अंदर कि मैंने ना समझाया। ओके, तुम्हारे शो वैसे क्या होता है, क्या करते हो? हम लोग शो में गेम्स खेलते हैं और बस तफरियां करते हैं, ऐसे ही गेम्स होते हैं, ऐसे ही गेम्स होते हैं। ओके चलो अच्छी बात है, इसको हटाते हैं। हमारा थर्ड सीजन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट सीजन भी केआरपी जीती जा मैं था, सेकंड सीजन भी केआरपी जीती जा मैं था, और ये थर्ड सीजन। तो माशाल्लाह तुम खेल में बहुत फुर्तीले हो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, ग्रेट, नाउ वी गोना कम टू दिस और दैट, पहले कौन दिस पर आएगा और दैट पर कौन जाएगा? पहले कौन खेलना चाहता है? तुम बार बार ये सुनो, हाथ नहीं लगा, रखो हेडफोन, जैसो दैट में हेडफोन कर लिया, बच्ची ऊपर खड़ी हुई है हेडफोन। मैं खेलूंगा पहले। तुम क्या साउंड से तुम्हें अच्छा लगता है सुनकर कुछ? तुम क्या सिर्फ सुनते रहते हो? बहुत सॉन्ग सुनता है। हाँ हाँ, और क्या क्या सुनता है? सॉन्ग्स। ओके, रैप। चलो रैप। ओह यार रैप करो कोई एक। रैप करूंगा अपना, अपना किसी और का, पड़ोसी का। अच्छा, इंडियन नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ, रैप कर लो।
बदला वक्त हो गया पूरा सख्त, आज उनकी बारी जो करते मुझ पे शक, आज़ाद मेरी सोच उड़ने लगा, अब वो सारे मेरे नीचे उनसे ऊपर रहता, अब देख कैसे आया हूँ मैं टॉप पे, लोगों ने गिराया दिए काफ़ी धोखे, आस्तीन के सांपते साले सारे दोगले, मुंह पे मेरे पीठ पीछे खंजर खोपते, मुझे रोकते रैप करने से ये सारे मुझे रोकते, कामयाबी की सीढ़ी चलने से टोकते, क्योंकि मेरे अल्फाज इन सारों की कब्रें हैं, खोपते खोपते खोपते। जैसे आपस की एक बात, दिस इज द वर्स ऑफ माय सॉन्ग, इट्स नाइस अच्छा अच्छा, लेकिन आपस की एक बात बताओ, सारे रैपर्स एक इतने बड़े गैंगस्टर्स क्यों होते हैं? आप ये बात अभी से नहीं है, ये बात जब से, जब टूपाक शाकुर था ना। लेकिन टूपाक तो ऑनेस्टली ही वाज देयर, यस, एंड वो एक्चुअली था, और जब हम बात कर रहे हैं रैप के, सो यस ऑफ कोर्स स्टार रैपर्स आप लोग देखना नहीं भूलिए, इट्स आवर न्यू शो, हमारा नया बेबी है, एंड जहाँ हम प्रमोट कर रहे हैं न्यू रैपर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इंडस्ट्री में रैपर्स को जगह नहीं मिलती थी, ऑफ कोर्स सिंगर्स आ गए सब कुछ, लेकिन रैपर्स को वो जगह नहीं मिली, और दुनिया भर तो रैपिंग की दुनिया एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, सो यस वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी न्यू टैलेंट एक मौका, एक प्लेटफॉर्म, वहाँ आकर वो परफॉर्म कर सकते हैं, आप लोग अपने फेवरेट रैपर को वोट भी कर सकते हैं, सो यस डोंट फॉरगेट टू वॉच स्टार रैपर। अभी हम आते हैं इधर, चलो दिस एंड दैट, इस बार तुमसे शुरू कर रहे हैं, फिश और स्टेक? फिश। ओके, एग या ओटमील? ओटमील। कॉफी या टी? कॉफी। कोक या पेप्सी? पेप्सी। नहीं बोला पेप्सी, पेप्सी 10 रुपए की पेप्सी। एक बड़ा एक अजीब कॉमेंट है, एक इंसान ने एक नारा बनाया हुआ था, वेरी फनी, बट आई एम नॉट गोना से इट हियर। वनीला या चॉकलेट? चॉकलेट। चॉकलेट बाय, चॉकलेट बाय तुम्हारी तरफ आता है। आपसे पूछते हैं, व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड? व्हाइट। जूस या वाटर? वाटर। मटन या चिकन? चिकन। डोनट या केक? केक। जरनाब या इस्मा? जरनाब जीना, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, दिस और दैट है, बताओ। दोनों। दोनों, ये है हमारे आज के जनरेशन का इशू, दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें नहीं होती, एक ही चीज आती है जिंदगी में, इसलिए फैसले वो लो, सोच समझ कर लो। एंड एक और हम फैसला लेते हैं, वो बहुत बड़ा फैसला है, वो है हमने एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं, मुझे बताओ कैरम के साथ खेलती हो? कैरम ऑफ कोर्स बहुत ही पुराना गेम है, एंड आई बिलीव ये वाहिद गेम है जो लोग भूल चुके हैं, भूल चुके हैं ड्यू टू द गैजेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो जितने भी यहाँ माँ बाप देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बोलूँगी, कभी कभी घर में लूडो रखना बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे गेम्स रखो, जो आपका बच्चा अपना फ़ोन शोन सब कुछ साइड पर रखकर फैमिली के साथ एक गेम नाइट होनी चाहिए, ठीक है? तो क्या आप तैयार हो? जी। आप बहुत खेल रही हो, अपनी गोटी के साथ रखो, जल्दी से आ जाए। ओके जी, आई हैव नेवर प्लेड दिस बिफोर, तो मैं ओके मैं तुम्हें बताती हूँ, एक एक आपका एक लॉ है, ठीक है? अगर ये यहाँ आ गया ना, ओके, यू हैव नो राइट टू हिट इट बैक, ठीक है? ओके। 3 2 1 स्टार्ट। वाह 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 वाह, लड़की लड़की इतनी स्पीड में जाओगे तो क्या होगा? ओके जी, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ, ओ 3 2 1 एंड व्हाट इज, लड़की ने तुम्हें बीट कर दिया यार। ये मेरा जो है ना, ये लास्टिक लूज है, तुम्हारा लास्टिक लूज ही है। मुझे तो यही लगता है सबसे मसला इसके लास्टिक में है, लास्टिक गाइस, ये इनका लास्टिक लूज हुआ, इस वजह से ये नहीं जीत पाए, पिछली बार भी। अब तुम्हारा हम शौक पूरा करते हैं, अशर उठाओ उसे, कान पर लगाओ उसे, किसे? इसे और किसे? अच्छा, भाई यार ये बंदा पता नहीं क्या हो रहा है यार, इससे ना भरपूर पूरी बातें बोलना पड़ता है, ये पता नहीं। ओके जी, हाय पास की पूछ, बांस की प्यास, प्यास नहीं नहीं, बांस की प्यार, बांस की प्लीज, नो 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 प्लीज, बांस की पूछ,
अगेन इतना घूर रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है यार, इतना ना घूरो। भैंस की पूंछ। पैराशूट। पैराशूट कहाँ से आ गया भाई? भैंस पैसे की पूंछ। नेकी और पूछ पूछ। नो नो पूछ पूछ, तुम ही बता दो। भैंस की पूंछ। भैंस की। भैंस की। भैंस पानी में गई। भैंस की पूंछ। भैंस की पूंछ। हाँ थैंक यू। ओके मेरे लिए दूध गर्म कर दो। ये तुम ही कर दो। मेरे मेरी लिए गई। मेरे लिए मेरे घर। मेरे लिए मेरे लिए मेरी लिए आगे भी बढ़ो। मेरे लिए दूध कूद जाऊं। कूद जाओ। दूध मेरे लिए दूध यार मेरे लिए तो है। मेरे लिए दूध दूध मेरे लिए कुछ गरम कर दो। हाँ हटाओ। नहीं हटा दो भाई। आप बता क्या बोल रही थी? मेरे लिए दूध गर्म कर दो। आप बहुत प्यारी हो। आप आम आप बहुत बहुत प्यारी प्यारे हैं हो प्यारे हो प्यारी प्यार प्यारी प्यारी प्यार प्यारी प्यारे प्यारी प्यारी हो प्यारी हो आप बहुत प्यारी हो। हाँ चलो अब इसको दो। कौन आपने कितने गेस किए हैं? तीनों। दो? नहीं नहीं भाई क्यों तीनों? वो एक में तो आप कुछ कहीं और ही चले गए थे भैंस वाले टाइम पर। चले आपको बोलना है इनको। कान खोल कर सुनिए। कान आंख कान आंख कान आंखें कान ये आंखें घुल गई कान कान आंख कान दांत कान खोल आंखों कान 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 इशारे करो। नो नो इशारास। कान खोल के आंखों नहीं कान खोल के सुनो सुनते खोल के बतानी क्या खोल के खोल ली है खोल के खोल के सुनो सुनो इशारे क्यों किए आपने? मैंने तो नहीं किया इशारा। ये इशारा ही तो है। तुमने इशारा देखा मेरा? सुनो का इशारा किया है। आप डिस्क्वालीफाई हो गए। मुबारक हो। ये क्या इशारा था? ये इशारा ही तो है। कान खोल के सुनो तो वैसे ही हाथ अपने पास रखो। चलो बीबी अब मैं आपको बोलूंगी आप वहाँ बहुत ज्यादा चली जाती हैं। मुझे खाना खाना है। मुझे एक मुझे खाना खाना है। मुझे मुझे खाना 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 आंखें खाना खाना एक मुझे खाना ये देखो खाना है। मुझे क्या खाना, मुझे खाना, लग रहा है कि आप सब मुझे खाना हाँ खाना 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 है चाहिए खाना है अशर दूर रहो खाना है अशर दूर रहो मुझे खाना खाना है हाँ कान में बोल देते यार इसके अल्लाह बहुत तेज गाने चल रहे हैं इसमें चले बहुत तेज चैंपियंस लीग चम्मच स्पून नो चैंपियंस लीग चम्मच चाहिए नो मुझे कोई चमचा नहीं चाहिए चैंपियंस लीग गुड क्वेश्चन नहीं समझ आया आप बस होंठ हिलाओ आवाज नहीं निकालनी होंठ हिलाना है और बच्ची का मुंह चेक करो जूम इन करो इसके बस मुंह चम्मच चैंपियंस चैंपियंस लीग लीग खैर थैंक यू तुम जीत गई हो तुम्हें बताए कुछ नहीं मैं अच्छा हम तुम्हें अशर दे रहे हैं अशर का ख्याल रखना कोशिश करना नेक्स्ट टाइम अशर आए तो अशर थोड़ा मोटा हो और थोड़ा हेल्दी हो कैसे करूं और हाँ खिलाओ हाथ हाथों से अशर वैसे बहुत खाता है। ओके जी जनाब इनसे गपशप तो लगाते रहेंगे और इनकी प्यार भरी कहानियां तो हम सुनते रहेंगे यू नो टोटल निब्बा निब्बी वाली लव स्टोरीज इन माय हैंड राइट नाउ बट अभी हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर कौन निब्बा निब्बी बना हुआ है सो लेट्स गो एंड सी। कोई एक चीज दो तुम इसमें बदलना चाहोगी? नहीं नहीं
अच्छे हैं शायद। तेरा है लेकिन मेरा है, ये वो वाली पॉलिसी चल रही है। तुम कुछ बदलना चाहोगे? ये तो बोलेगा पूरी लड़की बदल लो भाई, चेंज द होल पैकेज। मैं चाहती हूँ कि मतलब अपने साथ साथ दूसरों की भी ओपिनियन रखे, मतलब उनसे मतलब उनकी जो अगर वो कोई गाइड कर रहा है ना ऐसे तो उसकी बात समझे बस। बट एनीवेज आज ऑफ कोर्स हम आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजेंगे, रिलायंस की तरफ से आपके लिए प्यारा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। एंड अडोर की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच अगेन। और आपको मिलती है अशर। दोस्त काफी है। yes. इसको फेम, नेम, सक्सेस कुछ नहीं चाहिए, वो नसीब पर डिपेंड करता है। लड़का हो जिसके नाम अशर हो वो मेरे पास हो, बस अच्छा दोस्त हो साथ, फिर सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व खुद ही हो जाती है। सही बात, इतनी प्यारी बात है और इतनी नन्नी नन्नी काकी काकी वाली निब्बी वाली बातें करती है तो यार हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आपको भी मिलता है अडोर की तरफ से प्यारा सा हैम्पर। एंड मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, रिलायंस आपको भी प्यारा सा एक और गिफ्ट दे रहा है। थैंक यू सो मच। चाहे आप हारो या जीतो लव लाइफ में, गेम में, कहीं पर भी हम आपके साथ हैं। एंड अपने आप के लिए कोई शाउट आउट दो, कुछ बोलना चाहोगी, कुछ इजहार मोहब्बत करना चाहोगी? मैं अपने फैंस से करना चाहती हूँ जो मुझे इतना प्यार करते हैं और मतलब मेरी एक एक वीडियो की क्लिप्स बना बना के, हर छोटी छोटी वीडियो की क्लिप बना बना के इतने ज़्यादा प्यार देते हैं और मोटिवेट करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगी। कैसे पता चलता है उस फैन ने प्यार दिया? क्योंकि हम लोग नोट करते हैं, हमें टैग होता है ना तो हम नोट करते हैं और मतलब मोस्टली फैन पे जिससे मेरी बात भी होती है वो लोग इतना खुश होते हैं कि आपने रिप्लाई किया, मतलब इस तरह और बहुत अच्छा लगता है। मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मैं हम लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हमसे करते हो। तो आप यही सीन है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, वो तो काबिल एहतराम है ही, लेकिन जो हेट देते हैं मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि अगर मेरा मुझे हेट आना कम हो जाता है ना तो मुझे बहुत अजीब फील होने लगता है। चलो इसको प्यार दो, इसको छली भर नफरत दो और बस हमें सपोर्ट दो। वंस अगेन मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, कोविड चल रहा है एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू जोक अबाउट। प्लीज़ कोशिश कीजिए मास्क पहने, बाहर नहीं जाए। वैक्सीनेशंस अब 18 प्लस के शुरू हो चुके हैं, सो यस, चिप है, मैग्नेट है, बत्ती है, ये सारी चीज़ें जो लोग बना रहे हैं ये एक इट्स जस्ट सम एक बोगस सी चीज़ जो बनाई हुई है। प्लीज़ जाएं। एंड एट द सेम टाइम एक और वैक्सीनेशन जिसके लिए काफ़ी माएँ अपने बच्चों को नहीं कराती वो है पोलियो। पोलियो के कतरे और पोलियो की वैक्सीनेशंस आई भी है, जाएं अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं। एट द सेम टाइम इट्स टाइम फॉर मी टू गो, डू वॉच स्टार रैपर्स, डू वॉच द इंस्टा शो, हमारे बहुत सारे शोज़ आप लोग के लिए, हम इस पेंडेमिक में भी आप लोग के लिए आते हैं, मेरी पूरी टीम आती है आप लोग को हंसाने के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।